Hi everyone, welcome to my channel. My name is Shivani Chakravarti and welcome to another Sunday video. तो आज हमारे घर में बन रहा है आसामिस ब्रेकफास्ट. बेसिकली मतलब ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट वाला चीज़ नहीं, बट आसाम में नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सुबह का चाय वो अलग होता है, उसको हम ब्रेकफास्ट पर काउंट ही नहीं करते. उसके बाद हम फिर भी नेक्स्ट हम फिर से राइस कंज्यूम करते हैं. मतलब को राइस हो गया, रोटी हो गया, वो अलग होता है. मतलब जो टीवी में जो दिखाते हैं ना, वैसा कोई सीन नहीं हमारे यहाँ पे कि सुबह उठा उसके बाद चाय और ये सब खाकर हो गया नाश्ता. नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता. सुबह का चाय अलग होता है, फिर जाके आप कुछ और मतलब नाश्ता करते हो. तो आज हमारे घर में प्रॉपर आसामिस वाला बन रहा है, जो चाय के साथ स्नैक लिया जाता है. स्नैक नहीं बोलेंगे, बहुत हेल्दी होता है वो. बेसिकली इट्स अ राइस केक, तो उसको आसामिस में बोलते हैं टेकेली पिठा. तो आज हमारे घर में वही बन रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं. ऑल्सो अगर आपको वो रेसिपी अगर अच्छा लगा तो आप घर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं. इफ़ यू आर समवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आसाम तो आप उसको ट्राई करिए. ऑल्सो अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे बता सकते हो, कॉमेंट पर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो टेकली पिठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले को एक नारियल को कद्दूकस कर लेना है. इसमें सामान जो है वो ज़्यादा फैंसी नहीं लगता, एकदम सिंपल सिंपल सामान लगता है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके घर में क्या सामान है. ये चीनी से भी बन सकता है, सिर्फ जैगरी से भी बन सकता है, या फिर आप नारियल या और तिल को मिलाकर जैगरी ऐड करके चीनी ऐड करके भी बना कर सकते हैं. तो हमने नारियल का इस्तेमाल किया आज. नारियल को अच्छे से आपको कद्दूकस करके फिर उसको आपको फ्राई कर लेना है. ज़्यादा देर तक आपको इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा बन जाएगा बिकॉज इसमें चीनी है. तो इसको आपको थोड़ा देर तक, मतलब जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, इसका कच्चापन निकल जाएगा, तब इससे एक मीठी सी खुशबू आएगी और तब आपको इसको उतार लेना है. तो हमने इसको साइड में रख दिया और फिर हमने गुड़ काटा. तो गुड़ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ का आपको अच्छे से काट लेना है. इससे क्या होता है, एक रेड कलर निकलता है और चीनी डालने से उतना ज़्यादा टेस्ट जो है एनहेंस नहीं होता, गुड़ से होता है. तो उसके बाद हम लोगों ने राइस फ्लावर लिया. तो मम्मी ने ये फ्रेश फ्रेश एकदम सुबह सुबह ग्राइंड किया था. और फिर राइस फ्लावर में आपको थोड़ा सा नमक डालना है, ज़्यादा नमक मत डालिए नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नमकीन बन जाएगा. थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के फिर आपको इसको मिक्स कर लेना है. ज़्यादा पानी भी मत डालिए नहीं तो ये गीला हो जाएगा. तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. आप देख सकते हो मतलब ये क्योंकि नॉर्मल राइस से बनता है तो थोड़ा स्टिकी करने के लिए हम इसमें पानी डालते हैं. उसके बाद हम लोगों ने केतली का जो मुंह है उसको एक कॉटन के कपड़े से मतलब बंद कर दिया ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना जा सके. उसके बाद पीठा बनाने के लिए आपको केतली के ऊपर जो ढक्कन आता है उसी का इस्तेमाल करना है. तो उसमें हम लोगों ने राइस फ्लावर का अच्छे से स्प्रेड किया और फिर उसमें गुड़ जो हम लोगों ने काट के रखा था उस गुड़ को डालेंगे, नारियल भी डालेंगे. आपको इसको डालने के टाइम पर मतलब स्प्रेड करने के टाइम पर गुड़ और नारियल ध्यान रखना है कि आपको इसको ज़्यादा एजेस के किनारे में नहीं डालना, नहीं तो जब वो गर्म होगा ना, स्टीम होगा, तो गुड़ जो है पिघल के बाहर निकल आ सकते हैं. इसी वजह से आपको एजेस के थोड़ा अंदर मतलब बीच में मिडिल में रखना है. उसके बाद हम लोगों ने और एक इसके ऊपर राइस का जो राइस फ्लावर है ना उसका और एक लेयर डालेंगे. तो इसको बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हाथों को हल्के से आप प्रेस करके ही इसको बनाइएगा. ज़्यादा ज़्यादा मतलब प्रेस करके या फिर ज़्यादा ज़ोर से अगर करोगे ना तो ये स्टीम नहीं होगा अच्छे से. उसके बाद हम लोगों ने एक कॉटन का कपड़ा लिया और उसको अच्छे से रोल किया ताकि वो ठीक से मतलब टाइट हो जाए. उसके बाद इसको हम लोग केतली जो हम लोगों ने गर्म पानी बिठा के रखा था केतली में उसके ऊपर चढ़ा देंगे. इसको ज़्यादा नहीं रखना, 10-15 मिनट रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना पड़ता. ये 10 मिनट में भी हो जाता है. तो इस तरीके से आपको बनाने के बाद उसको अच्छे से रोल कर देना है कपड़े को और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए. तो 10-15 मिनट के बाद ये फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है. ऑल्सो ये गर्मा गर्म चाय के साथ अगर आप इसको सर्व करोगे ना तो ये बहुत टेस्ट लगता है. उसके बाद इस तरीके से आपको उसको निकाल लेना है. ध्यान रखिए ज़्यादा ज़ोर से मत निकालिएगा नहीं तो जो पीठा है ना वो कपड़े पे स्टिक हो जाता है. उसके बाद एक कोई भी नाइफ या फिर चम्मच से इस तरीके से काट कर उसको बाहर निकाल सकते हो. ऑल्सो काटने के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप एकदम अच्छे से सारे एजेस को अच्छे से काटो. तो हमारा पहला वाला उतना अच्छे से नहीं कटा था तो थोड़ा सा लग चुका था. नेक्स्ट वाला मैंने खुद बनाने का कोशिश किया. मैंने कभी बनाया नहीं, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. तो आज मैंने मम्मी के साथ ये ट्राई किया, पहली बार मैंने ट्राई किया. तो मम्मी डेफिनेटली मुझे हेल्प करी थी बनाने में. तो आप देख सकते हो
तो इस तरीके से हम लोगों ने दो तीन बना लिया, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं है तो हम ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा नहीं हमारे घर में। आपके घर में जितने लोग होंगे आप उस हिसाब से बनाइए, ये एक खाने से पेट फुल हो जाता है। तो हमारे घर में हमने तीन बनाए थे, मेरे लिए, मम्मी के लिए और एक आंटी के लिए। तो इसको जब ये जो नेक्स्ट वाला हम जब निकाल रहे थे तो मम्मी बहुत कॉन्शियस थी ख़राब ना निकले, क्योंकि आप लोगों ने देखा पहला वाला चिपक गया था थोड़ा, बट ये वाला थैंकफुली नहीं चिपका और अच्छा आया। तो आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। ऑल्सो मैंने इसको काट कर भी दिखाया, आप देखो कैसा दिखता है अंदर से। जो भी जिनको नहीं पता ये कैसा दिखता है, दिखता तो सेम टू सेम वो साउथ इंडियन का जो इडली होता है ना, सिमिलर दिखता है बट टेस्ट सेम नहीं करता। ये बहुत मीठा होता है, तो ये आप ये बहुत हेल्दी भी होता है। हमारे घर में पापा को इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो आप देखिए कैसा है। ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।